अस्सलाम वालेकुम मिलिट्री मुल्क के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम SIG 716 और PK-18 असोल्ट राइफ़ल के दरमियान दोनों राइफ़ल की ताकत का मुवाजना करेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट की जाती है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ बने बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि हमारी हर न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, SIG 716 एक असोल्ट राइफ़ल है जिसको यूनाइटेड स्टेट की आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी SIG-Saucer ने बनाया है। यह SIG राइफ़ल का लेटेस्ट वेरिएंट है। इस राइफ़ल का वजन 3.82 किलोग्राम तक है और ये 600 मीटर की रेंज तक किसी भी हदफ को निशाना बना सकता है। इस राइफ़ल में 7.62x51mm के कारतूस इस्तेमाल होते हैं और इस राइफ़ल से 850 राउंड पर मिनट फायर कर सकते हैं। इसका बट स्टॉक सिस्टम एडजस्टेबल है जिसे छोटा फायरर अपने मुताबिक और बड़ा फायरर अपने मुताबिक एडजस्ट कर सकता है। इस राइफ़ल में दूसरे राइफ़ल से अलग फीचर दिया गया है, यानी इस राइफ़ल में मैगजीन रिलीज़ के बटन दोनों साइडों में दिए गए हैं जिससे लेफ़्ट और राइट हैंड सोल्जर आसानी से मैगजीन रिलीज़ कर सकता है। इसके अलावा इसकी मैगजीन कैपेसिटी की अगर बात करें तो इसके मैगजीन में 20 गोलियों की गुंजाइश मौजूद है। दोस्तों, अगर इस राइफ़ल के फ्रंट आयरन साइड पोस्ट को देखा जाए तो वो भी एडजस्टेबल है, यानी फायरर अपने टारगेट के मुताबिक इसे एडजस्ट कर सकता है बिना किसी टूल के। दोस्तों, इस राइफ़ल को इंडिया आर्मी भी इस्तेमाल करने लगी है। यह राइफ़ल इंडिया के मयारी राइफ़ल इंसास से काफ़ी बेहतर है, इसलिए इंडिया ने SIG-716 को इंसास राइफ़ल से रिप्लेस कर लिया गया है। अब बात करेंगे PK-18 असोल्ट राइफ़ल की, जिसको पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF ने बनाया है। यानी कि एक पाकिस्तानी असोल्ट राइफ़ल है जो 7.62x51mm गैस से चलने वाली राइफ़ल है। दोस्तों, इस राइफ़ल का वज़न SIG-716 से कम है जो कि 3.8 किलोग्राम तक है। इस राइफ़ल की मज़र वेलोसिटी 780x820 मीटर/सेकेंड है। अगर इस राइफ़ल की रेंज की बात की जाए तो इसकी रेंज 400 से लेकर 600 मीटर तक है जो कि दोनों राइफ़ल्स की सेम है। अगर मैगजीन कैपेसिटी की बात की जाए तो दोनों राइफ़ल्स में 20 राउंड तक की गुंजाइश मौजूद है। इस राइफ़ल की बट स्टॉक भी एडजस्टेबल है। दोस्तों, इस राइफ़ल के बारे में POF का कहना है कि PK-18 इंतहाई मुश्किल ऑपरेशनल हालात में भी इर्गोनॉमिक मॉड्यूलर दुरुस्त और इंतहाई काबिल एतमाद है। इसके अलावा यह राइफ़ल 50 से 600 राउंड पर मिनट फायर करने की सलाहियत रखती है जो कि SIG-716 से कम है। दोस्तों, तो ये था दोनों राइफ़ल्स के दरमियान मुवाजना। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो के मुताबिक अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके हमें सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।